हाई एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आज मैं आप लोगों के साथ अंडर 10 रुपीज़ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का क्रिएट होके आएगा जो अभी आप देखने वाले हो। और इस मेकअप लुक को हर कोई क्रिएट कर सकता है, टीनेजर गर्ल, वुमेन और मैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल, हर कोई इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकता है। तो कैसे करते हैं, चलो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ डाबर गुलाबरी की कोल्ड क्रीम, जिसे मैं एज अ मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो प्राइमर है वो स्किप कर दूँगी, क्योंकि 10 रुपीज़ का कोई प्राइमर मुझे मार्केट में नहीं मिला है। 15 रुपीज़ की पतंजलि की एक ट्यूब आती है एलोवेरा जेल की, आप उसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने दो क्रीम, स्पिन्स की बीबी क्रीम है और ये है फेयर एंड लवली। तो मैं स्पिन्स की बीबी क्रीम के साथ काफ़ी सारे मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं आज यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोल्ड क्रीम, क्योंकि जो फेयर एंड लवली क्रीम है वो काफ़ी हद तक आपकी स्किन को ड्राई बना देती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर कोल्ड क्रीम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे इसे लगाऊंगी और अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी। एक मुझे ऐसा लगता है क्लोथी फेयर लवली ऐसी क्रीम जो कि फिंगर की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से आपके फेस पे अप्लाई होती है। तो मैं इस तरीके से अपने हैंड की हेल्प से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। अपना नेक एरिया बिल्कुल भी ना भूलें जब भी इसको लगाएं, और ऐसे प्रोडक्ट अवॉइड करें वैसे तो इस मौसम में जो आपकी स्किन को ड्राई करते हों, बट ड्राई ये भी बहुत ही जल्दी कर देती है, बहुत ही ज़्यादा कर देती है। बट अगर आप इसके अंदर कोल्ड क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाओगे अपने फेस पर, तो ये काफ़ी आपके फेस को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रखेगी, यानी काफ़ी अच्छे से यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगी क्रीम। तो उसके बाद लिया मैंने ईवा का ये टेम्पल पाउडर, जिसे हमने हैंड की हेल्प से पे यानी कि हैंड्स पे ले लिया है, और एक ब्रश की हेल्प से अपने हैंड ड्राई एरिया पर जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट दिखाना है वहाँ पर इस तरीके से इसको लगा लूँगी। और मैं अपने हैंड ड्राई एरिया पर इसको इसलिए लगा लूँ क्योंकि मैं जो ग्लिटरी आई मेकअप लुक करने वाली हूँ, तो जो भी ग्लिटर डस्ट यानी कि बाहर आएगा तो उसे मैं बाद में डस्ट आउट कर दूँगी यहाँ से, अगर कोई भी फॉल आउट मुझे होगा। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने MN की ये आई पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, जिससे अपनी आईब्रोज को फिल करी, और जेट ब्लैक है। और ये ADS की भी 10 रुपीज़ वाली आती है, बट लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही लाइट, यानी कि आपको हाथों से काफ़ी हल्के हल्के हाथों से अपनी आईब्रोज को फिल करना होता है और काफ़ी अच्छे से आपकी ब्रोज फिल भी हो जाती हैं। उसके बाद इस स्पूल की हेल्प से प्रोडक्ट को स्पर्श कर दूँ, क्योंकि ये क्रीमी है, थोड़ा पेंसिल वाला है, तो इसलिए आपको स्पूल ही ज़रूर यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिए मैंने 10 रुपीज़ के काजल, और यहाँ पर है ये मेरे पास ईयरबड। तो मैं ईयरबड की हेल्प से मैं अपना आई मेकअप करूँगी। तो इस तरीके से पहले मैं अपनी जहाँ पर हमको लाइनर लगाना होता है वहाँ पर इस तरीके से ईयरबड की हेल्प से काजल लगाऊंगी, और एक लाइन ड्रॉ करूँगी जहाँ जहाँ मुझे यानी कि मेकअप करना है आई मेकअप, क्योंकि फैल ना जाए आई से इसीलिए। तो पहले मैं इस ईयरबड की हेल्प से और अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लूँगी। मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगा लिया है, और याद रखिए आपको ये सिर्फ अपनी क्रीज लाइन तक रखना है इस तरीके से काजल को, और उसके बाद आप बिल्कुल डायरेक्ट काजल अपनी आईज़ पर ना लगाएं, पहले इस तरीके से ईयरबड की हेल्प से लगाएं और फिर डायरेक्ट आप अपनी आईज़ पर काजल लगा सकते हो आईलिड पर, यानी कि डार्क अपनी आईज़ को दिखाने के लिए। अगर आपको डार्क मेकअप नहीं करना है तो लाइट भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। सीरियसली टच वुड, मुझे बहुत पसंद आया था, बट लेकिन मैं जो सोच के बैठी हुई थी मुझे ग्लिटरी आई मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करें, तो इसलिए मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। तो इसी ईयरबड की हेल्प से मैंने, और ये ग्लिटर आपको 10 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, बहुत ईजिली। यहाँ पर मैंने कॉपर ये ग्लिटर यूज़ किया है, तो इसे ईयरबड की हेल्प से ही जहाँ मैंने काजल लगाया था वहाँ पर लगा दूँगी। उसके बाद एक फिंगर की हेल्प से इसको टैप टैप करके जैसे सेट कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो फॉल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी जो लैसेस थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट हो गया था, तो मैं इस स्पूल की हेल्प से इसको अच्छे से डस्ट आउट कर रही थी। उसके बाद ये 10 रुपीज़ का ये सिल्वर ग्लिटर है, बहुत ही महीन महीन पार्टिकल में ये ग्लिटर से, तो इसे मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। कल मैंने लोअर लैश लाइन पर दोबारा लगा ली अपनी आईज़ को डार्क करने के लिए, और फाइनली मेरा आई मेकअप दोनों रेडी है। और जो मुझे जो मैंने एक पाउडर लगाया था और जो मुझे फॉल आउट हुआ था, उसे एक ब्रश, बड़े से ब्रश की हेल्प से, फेस ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से डस्ट आउट कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने ये डार्क ब्राउन कलर की लिप लाइनर है, ये भी 10 रुपीज़ की मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, जिससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। और हाँ, मैंने फेक आई लैशेज़ यूज़ करी हैं, वो भी 10 रुपीज़ की ही हैं,
ये बहुत ही लोकल हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं है बट हाँ ठीक ठाक हैं। तो मैंने फेक आईलैशेस यूज़ करी है ऑफ कैमरा, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। और मैंने अपने फेस को इस ब्राउन आई पेंसिल से कॉन्टोर कर लिया है, फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही स्मूथली ब्लेंड भी हो रहा है, बहुत ही क्रीमी यानी कि पेंसिल थी, मुझे काफ़ी पसंद आई और मैं इसे काफ़ी यूज़ भी कर चुकी हूँ। काफ़ी सारी 10 रुपीज़ मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये ADS का लिप लाइनर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ये 10 रुपीज़ वाला ही लिप बाम है जिसे मैं अपने लिप्स पर और चिक्स पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लिप लाइनर लगाऊंगी क्योंकि लिप लाइनर थोड़ा ड्राई है ये वाला। तो पहले हम लिप लाइनर लगाएंगे, पहले लिप बाम लगाएंगे, उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाएगी जो लिप लाइनर है, और बहुत ही प्यारा सा पिंक सा कलर दिया है इस लिप लाइनर, मुझे बहुत ही पसंद आती है सीरियसली, ये मैं रेगुलरली से यूज़ भी करती हूँ, बहुत ही अच्छी है। उसे मैंने अपने चिक्स पर भी लगा लिया अपने फेस पे यानी कि ब्लश लाने के लिए। और जो 10 रुपीज़ वाला जो हाइलाइटर था ऐसे यानी कि जो ग्लिटर थे मेन पार्टिकल वाले, उन्हें मैं ऐसा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने चिक्स बोन एरिया पे, नोज़ एरिया पे, अपने ब्रोज एरिया पे और अपने चिक्स पे। तो यहाँ होता है हमारे फाइनली मेकअप कंप्लीट। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना।